हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में क्या दिया? देखो, द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर द मेटल सरफेस शो इन फिगर द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। ओके, क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है। ओके, अब कंसिडर करो मेरे पास यहाँ पे वर्क फंक्शन निकालने के लिए ग्राफ से वैल्यूज निकालेंगे, बट हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे इट इज बाय फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस प्लस ईवी नॉट प्लस ईवी नॉट। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन्स को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे बताओ, इट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज योर एच न्यू। क्या होता है ये, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। ओके, अब इस इक्वेशंस में ये जो ग्राफ में डेटा दिया इसको सब्स्टिट्यूट कर ले। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फाइव, फाइव इंटू वी का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसमें, टेन इंस टू फोर्टीन में। तो इस पॉइंट पे कट ऑफ वोल्टेज कितना, वाई एक्सिस पे कट ऑफ वोल्टेज है, तो यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज कितना है, जीरो है। बोल सकते हैं यहाँ पे फाइव पे क्या है, जब फ्रीक्वेंसी कितना फाइव है तो कट ऑफ वोल्टेज कितना है, जीरो है। तो बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं कि पुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है बताओ, इस फाइव इंटू टेन रेस टू हम टेन रेस टू फोर्टीन एंड कट ऑफ वोल्टेज का वैल्यू जीरो है। अगर मैं पुट करूंगा तो अननोन क्या बच जाता है, सिंपली वर्क फंक्शन का वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो ग्राफ में से अगर मुझे कोई अननोन वैल्यूज कैलकुलेट करना, तो ये ग्राफ है किसके वर्सेस कट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक इक्वेशन लिखते हैं एंड उस इक्वेशन में ग्राफ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब वो इक्वेशन कहां से लाया मैंने, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देता हूं, पुट करने के बाद देखो क्या बच रहा है, न्यू की जगह पे क्या पुट करना है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 5 * 10 = 14 और कट ऑफ वोल्टेज पे जीरो। तो कैसा लिखेगा यहाँ पे, ये h into 5 into 10 is to 14 that is a work function plus e into ये जीरो। तो ये जीरो हो गया, सो दैट मुझे क्या बोला वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन का वैल्यूज कितना आ गया इस 5 h into इस 5 into 10 is to 14। h का वैल्यू मुझे पता है, h कितना होता है 6.63 into 10 is to minus 34 into 5 into 10 is to your 14। अब ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, ये जूल में आएगा, पर मुझे आंसर किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। तो इसको डिवाइड किससे कर ले हम लोग, 1.6 into 10 is to 16 से। क्लियर? ओके, चलो ये इतना होगा 6.63 into 10 is to minus 34 into 5 into 10 is to 14 divided by 1.6 into 10 is to how much, माइनस 90। ओके, जब भी अब मुझे आंसर किसमें चाहिए, याद रखो ये आंसर किसमें था, जूल में, मुझे आंसर किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर ले, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड किससे कर ले, 1.6 इनटू 10 टू 14 से, 10 टू 19। ओके, तो चलो ऊपर कितना होगा 6.63। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर ले, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5 3 15। ओके, 5 6 30 30 ओके, कितना आएगा 30 31 हो गया एंड कितना होगा, दैट इज 6 33 33.15 इंटू 10 एस टू माइनस 34 एंड 14 कितना हो गया, दैट इज माइनस 20। नीचे लिखता हूँ मैं इसको 16 इंटू 10 एस टू माइनस 20, 10 एस टू माइनस 20 और 10 एस टू माइनस 20 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास 33.50 इंटू डिवाइड बाय 16 बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये वाला जो वैल्यूज आ रहा है, आप डिवाइड करना है, इसे 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है गाइस, पर 2.07, यस, तो डिवीजन करके आ जाएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। याद रखो, जब भी ग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राफ दिया हुआ उसमें से वैल्यूज निकालो, अब ग्राफ से क्या क्या पूछ सकता है, स्लोप पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है। अब वर्क फंक्शन तो डेटा में दिया ही नहीं, यहाँ पे ग्राफ से हमेशा आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, स्लोप भी पूछेगा तो भी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन निकाल के हम स्लोप का कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने बहुत प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज कैलकुलेट करना है
तो अब क्या करो, ग्राफ किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक इक्वेशन लिखो, हमारे पास एक ही इक्वेशन है ऐसा, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें ये वैल्यूज डाल दो। ठीक है, याद रखना ग्राफ से यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन सा है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। जेई मेन के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ स्लोप पूछा है इस टाइप के ग्राफ में। सेकेंड टाइप क्वेश्चन ये है। चलो क्लियर समझ में आया सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।